दुर्ग शहर के मध्य स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित पानी से बीमारी एवं चर्म रोग फैलने के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ मंच के अध्यक्ष ने उठाई आवाज। निगम प्रशासन से तालाब का पानी खाली करवाकर इसे भरवाए जाने की करी मांग। दुर्ग छत्तीसगढ़ मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने शहर के बीच स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित सड़न युक्त पानी को बदलने की मांग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और नगर निगम आयुक्त से करते हुए इस दिशा में ध्यान देने का अनुरोध करते हुए कहा कि लुचकी तालाब का पानी प्रदूषित होने से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस तालाब का उपयोग लुचकी पारा, तकिया पारा, तमेर पारा के अलावा आसपास के लोगों द्वारा भी किया जाता है। गौरतलब है कि मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि कचरे एवं गंदगी से पटे उक्त तालाब का पानी गाढ़ा हरा तथा गंदा होने के साथ ही पानी सड़ने एवं कीटाणु युक्त होने से तालाब का उपयोग करने वाले नागरिक काफ़ी परेशान हैं। उक्त तालाब में गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, साथ ही चर्म रोग जैसी बीमारी की लगातार शिकायतें मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के लुचकी तालाब पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, साथ ही वार्डवासियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पानी जो यहाँ पर लुचकी तालाब का पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया है, गाढ़ा हरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा कचरों का ढेर अलग और पानी पूरा गाढ़ा हरा कीटाणु युक्त हो गया है। और मैं चाहता हूँ नगर निगम से कि इस पानी को बदला जाए बरसात के पूर्व, और यहाँ पर ताकि ये नहाने धोने लायक हो सके। अभी यहाँ पर चर्म रोग भी काफ़ी फैल रहा है इस तालाब के पानी के कारण। तो इसको लेकर कहीं पर शिकायत की है कुछ ऐसा? ये अभी प्रेस में हम लोग जारी किए थे, बाकी अभी हम लोग महापौर से और विधायक से इसकी मांग करेंगे पानी बदल। तालाब में कोई देख रेख भी नहीं करते नगर निगम वाले लोग, और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, प्रसाद माला वाला सब फेंकते हैं, और रात को यहाँ पर गंजड़ियों का अड्डा ही है। रात को 6 बजे के बाद से लेकर के 2-3 बजे रात तक यहाँ गांजा वंजा पीते रहते, सब लड़के लोग दारू वारू पीते रहते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को भी आकर के देखते रहना चाहिए, पुलिस वालों की निगरानी में रहना चाहिए जगह, और इसका कोई देख रेख नहीं करते नगर निगम वाले। यानी दुर्ग शहर का सबसे अच्छा तालाब माना गया था पहले ये, और सबसे गंदा तालाब हो गया अभी। पास का सामान सभी लोग ला के डाल देते हैं, जैसे शत्रुपा शीतला मंदिर में अलग से कुंड बनाया गया है पूजा पाठ के सामान के लिए, वो होना चाहिए। आसपास के 4-5 मोहल्ले के लोग यहाँ निस्तारी करने आते हैं, पानी बहुत गंदा हो चुका है, चर्म रोग फैलने की आशंका है, और आसपास के कई लोगों को चर्म रोग हो भी चुका है। निगम प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसमें ध्यान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।